मुगले आजम अपने आप में एक इतिहास है। इस फिल्म की कई कहानियाँ हैं। हमारी फैमिली 1924 से इसी व्यापार में, फिल्मों के व्यापार में, पहला एग्जीबिशन सिनेमा चालू किया 1924 में और डिस्ट्रीब्यूशन 1946 में चालू किया। इसलिए क्या, एक सारे इंस्टेंस जो थे वो घर में तो डिस्कस होते ही थे, इसीलिए हमें पता रहता है कई बार कई पुरानी चीज़ें। इसीलिए उस पिक्चर में जो वॉर सीन थे उनके लिए बहुत लेविश अरेंजमेंट किए गए थे। इतना ज़्यादा वाइड में जो वॉर सीन्स थे वो आपको कुछ इंग्लिश फिल्मों में भले ही देखने को मिल जाओ, बाकी कहीं नहीं मिलते थे। इससे इंस्पायर्ड होकर बाद में रजिया सुल्तान में कमाल अमरोही ने किया था, क्योंकि कमाल अमरोही इस पिक्चर में असिस्टेंट डायरेक्टर थे के आसिफ के साथ में, तो उनको इस चीज़ का बड़ा एक्सपीरियंस था जिसका उन्होंने रजिया सुल्तान में फ़ायदा लिया। हालांकि वो एक अलग सब्जेक्ट था और वो इतना नहीं हो पाया। के आसिफ के बारे में बताएं, क्योंकि फिल्म बनाने की जो दीवानगी आसिफ साहब में थी वैसी दीवानगी मेरे ख्याल से जुनून आज की जनरेशन में तो हो ही नहीं सकता। आज की जनरेशन में तो इतनी पेशेंस ही नहीं है कि वो फिल्म को बनाने के लिए इतना समय दे और इतना डीप में जाए। वो एक एक चीज़ में डीप में जाते थे। जैसे मैंने आपसे कहा कि गुलाम अली साहब के पास वो 8 आदमियों को लेके कलकत्ता पहुंच गए, एक सिर्फ एक गाना गाने के लिए। मुगले आजम के हर सीन के लिए जहाँ जहाँ गाने थे, एक एक सीन के लिए 4-4, 5-5, 6-6 गाने रिकॉर्ड किए गए। और उसमें जो उनकी मंडली होती थी के आसिफ साहब की, उनकी कार्यशैली बिल्कुल अलग थी। ही वॉज ए वेरी 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 सिंपल पर्सन। उनकी जो प्रॉपर्टी थी, एक ब्रीफकेस था, 10 जोड़ी कुर्ते पैजामे थे, एक 4 मीनार का डब्बा था, सिगरेट पीते थे। उसके अलावा उनकी कोई प्रॉपर्टी उन्होंने न रखी न उनकी कोई इच्छा थी। वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ हर चीज़ को डिस्कस करते रहते थे और जो चीज़ अच्छी लगती उसको लेते। तो एक गाना है मधुबन में राधिका नाची रे, वो गाना कोहिनूर पिक्चर में उस टाइम बाद में लिया गया। वो गाना भी कोई कमज़ोर गाना नहीं था, लेकिन जब सेलेक्शन हुआ सबका तो उसमें इस गाने को सेलेक्ट किया गया, क्योंकि इसमें एक नज़ाकत थी इस गाने में थोड़ा सा। और इस पिक्चर में आपने देखा होगा एक चीज़ जो थी, दिलीप कुमार की पहली पिक्चर है जिसमें दिलीप कुमार ने कोई गाना नहीं गाया। और इसके लिए जब आसिफ साहब से पूछा, साहब आपने दिलीप कुमार जैसे बड़े आर्टिस्ट से कोई गाना नहीं गवाया, बोले भाई ही वॉज ए प्रिंस ऑफ इंडिया। अगर उनके पास तो गाने वाले, बजाने वाले और नाचने वालियाँ खूब, उनके पास तो टीम होती है। तो शहजादा सलीम जो हिंदुस्तान का शहजादा था, होने वाला बादशाह था, वो गाने गाएगा या गाने गवाएगा, ये लॉजिक था उनके पीछे। बोले हम उससे अगर गाना गवाएंगे तो लोग बाग एंजॉय भले ही कर ले, लेकिन बाद में क्रिटिक्स में तो आ ही जाएगा कि हिंदुस्तान का शहजादा गाने गा रहा। उस फिल्म में एक शीश महल का सेट लगाया गया था, भव्य सेट लगाया गया। वो कहते हैं कि कितने साल तक तो लगा रहा, उसको एग्जीबिशन में भी दिखाया गया, फॉरनर्स भी देखने आते थे, खूब दिखाया उसको सब। तो उसकी खासियत क्या थी? उसकी खासियत ये थी कि ऐसा सेट जयपुर के शीश महल से जो आमेर में है उसको देखते हुए उन्होंने इस तरह का शीश महल बनाया कि उसमें चारों तरफ जब वो डांस होता है मधुबाला का या गोपी किशन का पहले डांस होता है, तो हर एंगल से उसके कांच के अंदर उसकी फोटो आती है। और जो फोटोग्राफर थे उस टाइम आर.डी. माथुर साहब, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफर ऑन दैट टाइम, उन्होंने इसकी कम से कम नहीं तो 100 बार रीटेक और रिहर्सल करके देखा होगा कहाँ पे क्या नहीं आ रहा है, कहाँ क्या आ रहा है। कैमरे में सबको उन्होंने एडजस्ट किया, सबको दिखाया। आपने फिल्म देखी होगी नेचुरली, उसमें जगह जगह दिखाते हैं, एक पूरा फ्रेम वो फानुस टाइप एक आदमी लेके खड़ा है कांच का, उसके भी हर फ्रेम में वो नाच दिख रहा है। और जो गोपी किशन से पहले उन्होंने डांस करवाया, जबरदस्त डांस, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ गोपी किशन। नंदू जी, बाबू जी ने मुझे बताया था कि मधुबाला की बीमारी की हालत के अंदर जब वो एक सीन पिक्चराई कर रहे थे तो उन्हें जो जेल की बेड़ियां पहनानी थी वो असली पहना दी थी उन्होंने, उसके पीछे क्या लॉजिक था? के आसिफ का एक नज़रिया था कि अगर हम इसे आम प्लास्टिक की या ऐसी कुछ नकली पहना देंगे तो उससे उसका दर्द तो होगा नहीं, वरना जब उसे असली बेड़ी पहनाएंगे तो उसका वजन उससे उठेगा नहीं, उसका दर्द उसके चेहरे पर दिखेगा और वो दर्द जो है उसका वो हमें पिक्चराइज करना है। इसलिए वो हर सीन में थोड़ा थोड़ा रियलिटी चाहते थे, उसके पीछे यही लॉजिक था, बहुत बड़ा लॉजिक था। और एक चीज मेरे को और बताई गई थी कि मधुबाला के जो पिताजी थे वो नहीं चाहते थे कि रोमांटिक सीन फिल्म के अंदर हो,
ये दिलीप कुमार के साथ में न जाए, तो उसको बाहर खेलने के लिए पत्ते खेलने के लिए बैठा देते थे, वो क्या इंसिडेंट था? नहीं नहीं ऐसा नहीं था, वो क्या है कि मधुबाला तो खुद पुरानी हीरोइन थी, मंजू हीरोइन थी, तो कोई उस टाइम ऐसा तो संभव ही नहीं था कि भाई मोहब्बत के सीन और ये नहीं पिक्चर है। मुगले आजम में तो फिर भी ये सीन बहुत तरीके से, एक शहजादे के साथ में एक अनीज का जो सीन होता है, मतलब इंडिकेटेड सीन ज़्यादा थे, आपने पिक्चर देखी है इसलिए कह रहा हूँ, उसमें इंडिकेटेड सीन बहुत ज़्यादा थे जो अपने आप में साइलेंट आपको एक मैसेज देते थे, साइलेंट इफेक्ट देते थे। कई जगह ऐसे हैं, आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ जिसमें मधुबाला और दिलीप कुमार का एक वो गार्डन में मिलन होता है, जो उसको शाम को बुलाता है, वो वहाँ से अचानक आवाज़ आती है जिल्ले इलाही आ रहे हैं, और वो मधुबाला घबरा के भागती है, वो एक दो मिनट का डेढ़ मिनट का सीन है, और वो भाग के आती है और आते आते सीधा पृथ्वीराज कपूर से अकबर से टकराती है, और वो देख के घबरा जाती है और वापस भाग के आती है और सलीम के टकराती है और वहीं उसके पकड़ के और वो बेहोश हो जाती है। जब वो पृथ्वीराज कपूर के पास से भाग के आती है, आप देखोगे उस टाइम पृथ्वीराज कपूर का चेहरा दिखाते हैं जितना गजब गुस्से में, और उसके बाद जो बेहोश होकर गिर जाती है तो वो हंसता है कि ये मेरा खौफ। ये एक साइलेंट डायरेक्शन था उसका, एक भी डायलॉग नहीं उस जगह पे, लेकिन ये इतना बड़ा उसमें इफेक्ट है कि आप मेरा अकबर का खौफ है, देखिए तेरी कनीज जिसके आप देखता है तो मेरे खौफ से बेहोश हो गई है। इस तरह के सीन पिक्चराइज करने में के आसिफ साहब की बड़ी मास्टरी थी।